गांव में हम लोग आए हुए हैं और यहाँ का जो है ये लाल लाल कोची दिख रहा है बकरिया वाला पूछवा दिख रहा है आपको और ये नीचे गए वेलकम बैक माई YouTube चैनल दोस्तों। और हम लोग आज जो है गांव देहात में मज़ा लेने आए हुए हैं और गांव देहात का स्विमिंग पूल दिखाएंगे हम लोग और आपसे शेयर करेंगे कि कैसा यहां का स्विमिंग पूल होता है, यानी कि स्विमिंग पूल नहीं नहाने के जो जरिया होता है वो कैसा होता है, यही हम लोग आप शेयर करने वाले हैं। और हम लोग इतने सारे सब लोग आए हुए हैं, चलो सफाई कर लो। हाय, कैसा मज़ा मारना है? बहुत। तो हम लोग अभी जो है कपड़ा चेंज करेंगे और चेंज करके फटाफट आपको दिखाते हैं और उसके बाद वीडियो को आगे ले चलते हैं। वेल डन, तालियां होनी चाहिए यार। और गाइस देखिए ये लोग जो है नहाने के लिए रेडी हो चुका है और इसका ये लोग का पोजीशन देख सकते हैं कैसा देखने के लिए लग रहा है। अपना पतलू उसको देखिए। और यहाँ पे गाइस हम लोग का जो स्थिति देख सकते हैं किस तरह से हो गए हैं, क्योंकि गांव में हम लोग आए हुए हैं और यहाँ का जो है एक मतलब छोटा सा गड्ढा है उसमें पानी भरकर और नहाने का जो है मजा लेने वाले हैं। स्विमिंग पूल नहीं है भाई, ये बस गड्ढा बोल सकते हैं, स्विमिंग पूल में कोई व्यवस्था नहीं। हौदा, हौदा है, हौदा बोल सकते हैं। जो पहले फीटर उटर के लिए बनता था उसी में नहाने का मजा बड़ा सा है उसी में। चलिए उसको अति दिखा दीजिए। तो अभी हम लोग का जो है ये पोजिशन देख सकते हैं कैसा लग रहा है अभी सबका। ये लाल लाल कोची दिख रहा है देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको देखने के लिए ये साइड में इस तरह से देखने के लिए मिलेगा। ये वाला जो गड्ढा दिख रहा है ना, जो चारों तरफ से ये गड्ढा करके और इसमें जो है पानी भरा गया है, इसी में जो है आपको नहाना है। और वो साइड जो है इस पानी को साफ करवा रहे हैं, यानी कि इसको खोल के पूरा पानी को उसमें डाल दिया जाएगा, फिर इसमें नया पानी भराने के बाद हम लोग इसमें नहाना शुरू करेंगे। और प्रधानमंत्री योजना का कोई फायदा नहीं उठा रहे हैं। इसको देख सकते हैं आप। ये प्रधानमंत्री का बेइज्जती साफा साफा देखने के लिए मिल रहा होगा। डर के मारे अपना जो पानी उलट दिया है साला। थोड़ा सा जब तक पानी साफ नहीं हो जब तक नहाने वाले में से हम लोग नहीं है, पैसा फ्री के नहीं आता, बड़ी सस्ता दिया 20 रुपये पर पर्सन, 30 रुपये नहीं, जनरल 30 रुपया, 30 रुपया नहीं जनरल। अभी हम लोग जाते हैं इसलिए लग रहा है ऐसे, जो यहाँ पर जो है 30 रुपये लेता है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे आम वगैरह कटहल का हो गया, ये सारे चीज़ का पेड़ भी है और उसी के बीच में ये बनाया गया। देखिए लड़का लोग का जो ये क्या है हमको समझ नहीं, बकरिया वाला पूछवा दिख रहा है आपको। ये देखिए ध्यान से, मतलब आपको फील हो जाए कि हाँ एकदम क्लियर पूछ की तरह दिख रहा है। यहाँ देखिए एकदम लग रहा है कि तो नहीं होता, पूरा उठा के छोड़ दिया जाता है, इस तरह का देखने के लिए मिलेगा। वो बकरी ये जो लड़का है उसका फोटो थोड़ा देख लीजिए। देखिए उसमें और इसमें कोई कंपेयर करके दिखाते हैं आपको। चलिए यहाँ पे देखिए इसका पिछुआड़ा देखिए, पीछे लटका है, और इसका भी देखिए दोनों खड़ी हुई है। गड्ढा का खोद किस तरह से बनाया गया है और इसमें आप जो है एक लंबे समय तक। और यहाँ पे लंगटा गैंग देख लीजिए, सब लंगटे होके यहाँ बैठल है। और ये हमारे मामा कूद रहे हैं, आराम से आओ ना, आराम से आओ। और ये नीचे गए। और यहाँ पे फाइनली सामने रहा मजा मार रहे हैं। यहाँ पर देखिए चल बन के, ये जो है हम लोग झूला पे आज झूलने वाले, जो कि गांव का झूला होता है उस पे झूलने वाले हैं।
और चलिए इसको बैठने का जो तरीका है, चलिए इसको अंदर घुसा लेना है। यहाँ बैठना बड़ी टफ है, काफी टफ है और गिरने का भी चांस होता है। चलिए कोशिश करते हैं एक बार। सिंगल डाल पे जो है झूला झूलते हुए के देखो और ये लंगटो महाराज जो है अपना झूला पे झूलते हुए। चढ़ना बहुत आसान है बट इस पर से उतरना वेरी टफ। आप सोच नहीं सकते कि कितना टफ है। इस तरह से हैरी पॉटर वाला जो है पेंदी में डाल लिया, देखिए यहाँ और इस तरह से लंबा, ये देखिए या। और गाइज इस तरह से आप इस पर से मजा ले सकते हैं। और फाइनली गाइज हम लोग जो है उसमें नहा फिंच कर रेडी हो गए हैं। अब हम लोग कपड़ा पहनने वाले, सब कोई अपना अपना कपड़ा पहन रहा है और हम लोग पहन के अब यहाँ से निकलेंगे क्योंकि थोड़ा मौसम तो बहुत अच्छा है यहाँ पर का, मन तो कर भी रहा है ना। अभी रुकेंगे क्या?